Hi everyone, I'm Nikki and welcome back to my channel. So, in today's video, I'm going to share my master bedroom tour. Living area tour, I've already done on my channel. If you haven't checked it, I'll give a link in the description box. You can go and check it out. So, my bedroom is very simple. I don't want to keep so many stuff, like your room is very clutter. और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो जरूरत की चीजें ही आप अपने बेडरूम में रखो या फिर घर पे भी जरूरत की चीजें ही रखें बिकॉज़ आफ्टर ऑल आपको घर चेंज करना पड़ सकता है तो इतना सामान सारा सामान लेके फिर आपको दूसरे घर में शिफ्ट करना इट्स लाइक अ वेरी बिग टास्क और वीडियो के एंड तक मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप कम सामान में कैसे अपने घर को ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा कर सकते हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करना सो दैट यू विल नोटिफाई व्हेनेवर आई अपलोड माय न्यू वीडियो तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो सबसे पहले दिस इज द गेट ऑफ द मास्टर बेडरूम फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक द कलर ऑफ द गेट बट आई जस्ट कांट चेंज द कलर बिकॉज ये रेंटेड अपार्टमेंट है एनीवेज तो यहां पे मैंने एक पॉम-पॉम डोर होल्डर लगाया है Now let's open the door now. So this is how my bedroom looks like. Left side wall खाली रखा है मैंने. उसी से सटा हुआ हमारा bathroom है, which I'm not gonna show right now. So ये वाला जो window है, इसपे मैंने curtains लगाए हैं, जो कि match हो रहा है मेरे door और wall के color से. यहाँ से आपको बगल वाले flat का window दिखेगा. ये क्वीन साइज बेड हमने लिया था एक फर्नीचर शॉप से आई रियली लाइक दिस कुशन ओवर हियर ये बोथ साइड्स पे है नाउ मूविंग टू दिस वॉल ये वॉल खाली लग रहा था सो मैंने यहाँ पे एक वॉल स्टिकर लगाया है जो कि मैंने परचेस किया था अमेज़न से और इस साइड पे मैंने फोन चार्जर और ऑल आउट लगा के रखा है फिर दूसरे साइड पे हमारा बेड साइड टेबल है जिस पे मैंने हमारा फोटो फ्रेम रखा है एक अलार्म क्लॉक है एक वास है और एक डिफ्यूजर है और इन दोनों ड्रॉर्स में कुछ बुक्स मेडिसिन और रैंडम चीजें रखी है राइट वाले वॉल पे दो फ्रेम्स है जो कि मैंने DIY किया था इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है अगर आपने चेक नहीं किया है तो आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यहाँ पे हमारा DIY ड्रेसिंग टेबल है ये जो मिरर देख रहे हो आप ये हमने एक लोकल शॉप से बनवाया था इसे शॉप वाले ने वॉल पे हैंग कर दिया है ये काफी बड़ा है और ये हमें पड़ा था ₹1000 में और ये जो बॉक्स देख रहे हो आप ये मैंने दिया था डीमार्ट से आई थिंक ये मुझे मिला था 600 या 700 रुपीज में तो 1700 रुपीज में रेडी हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल सो इस पे हमने हमारी जरूरत की सारी चीजें रखी है अगर आपको जानना है कि मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आई विल डू अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट उसके बगल में हमारा कूलर है अभी तो ठंड है इसलिए इसे मैंने रैप करके रखा है वैसे बैंगलोर में भी गर्मी होने लगी है इसलिए हमें कूलर लेना पड़ा सो ये है मेरा वार्डरोब वेबो का वार्डरोब दूसरे रूम में है आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स क्लोथ सो मैंने दोनों को सेपरेट रखा है वार्डरोब के ऊपर थोड़ा खाली लग रहा था सो मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव स्टफ रख दिए हैं ऑलवेज कोशिश करें कि आप कलर मैच करें लाइक डोर का कलर या वॉल के कलर से आप मैचिंग कर्टन्स लगाएं फ्लावर्स रखें और हमेशा कोशिश करें कि आप सिर्फ जरूरत की चीजें ही रखें जिससे आपका घर क्लटर फ्री और स्पेशियस लगे तो ये था मेरा बेडरूम टूर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर दो यार एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय